हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या है तुम्हारे हाथ में? यहाँ पे कामिल मामू अम्मा के लिए ईदी लेके आए हैं। बहुत सारा ईदी है, अब देखिए फ्रेंड्स, उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कामिल मामू अम्मा के लिए ईदी लेके आए हैं, देखिए क्या क्या है ईदी में। अच्छा, दरवाजा पहले बंद करो, फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखते हैं फ्रेंड्स में क्या है। तो फ्रेंड्स, वही है कि इंसान को देने वाले का दिल होना चाहिए, वैल्यू नहीं रखता है कि उसकी आमदनी कितनी है और उस कमाई कितनी है या तोहफा कैसा है। ये देखो, ये अम्मा के लिए है भैया, कामिल मामू अम्मा के लिए लेकर आए हैं। वाह माशाल्लाह, चूड़ियाँ हैं। अम्मा की तो ईद गोल्डन गोल्डन होगी यार। काजू है, ये चूड़ी है, चूड़ी है, सेवई है, नारियल है, नारियल चीनी, चीनी है। वाह, अम्मा की तो ईदी जब बन गई एकदम। चम्मच है अम्मा की। अम्मा की तो ईदी बन गई, जम गई। चप्पल भी अच्छा है माशाल्लाह, ये देखो। बस देखने देने वाले की नीयत देखी जाती है और उसका दिल बड़ा होना चाहिए, नहीं तो कामिल मामू सोचता कि क्या नाम है, क्या करने के लिए हम देने जाएं। बुआ तो बुढ़ी हो चुकी हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, पैसा कमाने लगे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है इन सब की। और ये अम्मा के लिए कपड़ा लेकर आए हैं। हक तो हक होता है, उन्हें बखूबी याद था तो वो लेकर आए हैं। और कपड़ा भी देखिए अच्छा है, देखो अच्छा कपड़ा है माशाल्लाह, प्यारा सूट है अम्मा के हिसाब का। तो सारी का आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है। क्या आप हमारे लिए कभी ऐसे ईदी लेकर आओगे? इंशाल्लाह। तो बोल देते कमीने इंसान। देखो इसके मन में अभी से खोट चल रहा है। कुछ नहीं खोट चल रहा है। तो मैं कपड़ा देख रहे हैं आपने, मतलब तुम मेरे लिए ईदी लेकर आओगे? क्या क्या लेकर आओगे? जो जो कहोगे। क्या क्या कहूँगा? जो जो कहोगे। क्या क्या कहूँगा? जो जो कहोगे तो लाऊंगा। तो कोई कह के थोड़ी मांगता है कि मुझे ईदी चाहिए। हाँ, तो उस समय पे जो रहेगा सबसे बढ़िया वही लेकर आऊंगा। अच्छा, चलो भैया इंशाल्लाह, देखते हैं इस कमीने उस्ताद की। आज तो ये मुझसे लड़ता है बिला भाँ भाँ करके, और क्या लेकर आएगा। तो इसे पैक करते हैं। लड़ता कौन नहीं, तो लड़ाई करते, कोई नहीं लड़ाई करता है, लेकिन सारी में से बहुत लड़ता है। राजेंद्र मौर्या कलेक्शन। काजू भी अम्मा के लिए आया है। 500 500 पैसे नहीं है, चुरा लो, चुरा लो। ए फट। और चुराने के बाद लजन बताना, और चुराने के बाद हाथ बता, फरवरी बना देंगे 500 में। सारी को मस्खरी सूझी, तो ठीक है, ये था अम्मा का सामान। तो अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है, अम्मा की चूड़ी है। ले जाओ खजाना, खजाना ले जाओ। अफसाना फरजाना ला हूँ, एक चूड़ी पहन के देखें कैसी लग रही है मेरे हाथ में। अच्छी लग रही है। आई बस 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 बस, नहीं कैसे पहनते हैं? नहीं हम नहीं पहने हैं, नहीं इसमें पीएचडी किया हूँ ना। अब टूट गई रही। ये तो अम्मा की चूड़ी है भैया, अम्मा के साइज की है। हमने कभी हाथों में चूड़ी उड़ी डाला नहीं है। मेरे हाथ सारी के हाथ जैसे हो गए हैं, मेरे हाथों में चूड़ी अब नहीं जा रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और अपनी बहन को ईदी ज़रूर भेजना, उससे उनके उनको खुशी मिलती है। और ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे ईद का कोई इंतज़ार कर रहा हो, और हाँ इंतज़ार करती भी रहती हैं बहनें कि हाँ उनका मान होता है, भाई से उम्मीद रहती है कि भाई मुझे ईदी देंगे, तो ज़रूर दिया करें कि ये भाई ईदी देने में क्या जाता है। और अगर आप ज़्यादा अमीरुल उमरा हो तो कुछ मदद कर दिया करो,
ईदी और बकरीदी तो एक बहाना होता है, इसी बहाने आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दो तो अच्छी बात होती है कि अगर आप पैसे से मजबूत हो तो कुछ पैसे भी भेज दिया करो। नाइस नाइस जोक। तो ये थी हमारी ईदी और अम्मा की ईदी थी। हमारी ईदी कहाँ, हमारी ईदी तो कभी सारी लेकर आएंगे। हम अपनी ईद तब मनाएंगे जब हमारा YouTube से पैसा आएगा। हम लोगों के पास ईद के कपड़े नहीं हैं, हाथ खाली हैं, क्या करें। सारी के तो कपड़े आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। क्या करें क्या करें क्या करें। तो ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखना अपना ख्याल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम।